अच्छा क्वेश्चन फाइव रीड कर लें. सो टाइगर ट्रीज रन्स ओन्स एंड रन अ गोल्फ क्लब सम ईयर अगो. एंटिटी परचेज लैंड नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग कोर्स विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ स्मॉलर 9-hole कोर्स. Cost of the land was 2,60,000. Over the time, entity had land revalued to 6 lakh. It has now decided that building the new course is uneconomical and has sold the land for 6,95,000. What accounting entries are required to reflect the disposal? अच्छा start से चलते हैं. सारी entries बना लेते हैं इसमें. परचेज की पहले बना लें, फिर रिवैल्यूएशन की बनाते हैं, उसके बाद डिस्पोजल की एंट्रीज भी बना लें. ठीक है, पहले तो परचेज की बनाते हैं. पहली एंट्री क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 5. परचेज की एंट्री होगी लैंड डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाए. कितने से? 2,60,000. राइट. अच्छा, अब हमने लैंड को रिवैल्यू किया. तो रिवैल्यू किया, मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है? 6 लाख. ठीक, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? गेन कितना हुआ? 3,40,000 का गेन हो रहा है ना. ठीक, तो एंट्री क्या होगी अब इसकी? रिवैल्यूएशन की. लैंड डेबिट जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस. क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 3,40,000. अच्छा, अब लैंड को हमने डिस्पोज कर दिया. अब क्या एंट्री होगी? कितने में सोल्ड हो रही है? 6,95,000. तो क्या एंट्री होगी? कैश आ रहा है, बैंक डेबिट हो जाएगा. कितने से? 6,95,000. अच्छा, लैंड क्रेडिट होगी कितने से? लैंड क्रेडिट कितने से करेंगे? अच्छा, होती कितने से? कौन सी वैल्यू लेते हैं? जो उसकी कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट. इस वक्त लैंड को हमने रिवैल्यू किया था कितने? 6 लाख पर. 6 लाख से लैंड क्रेडिट हो जाएगी और 95,000 गेन ऑन डिस्पोजल हो जाएगा. ठीक है, योग्य गेन ऑन डिस्पोजल 95, तो डिस्पोजल की एंट्री हो गई. अच्छा, अब इसमें एक एंट्री और बनेगी और वो होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस की. ठीक है, देखिए लैंड को हमने रिवैल्यू किया था, 3,40,000 का गेन हुआ था ऑन रिवैल्यूएशन. इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया था रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट. अब ये लैंड हमने डिस्पोज कर दी है, तो ये जो गेन ऑन रिवैल्यूएशन था 340 का, ये रियलाइज हो गया. रियलाइज हो गया, तो अब इसे हम अपने प्रॉफिट में इंक्लूड कर सकते हैं. तो डिस्पोजल के टाइम पे हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और ये क्रेडिट हो जाएगा रिटेन अर्निंग अकाउंट डिस्पोजल के टाइम पर. तो डिस्पोजल के टाइम पे गेन ऑन रिवैल्यूएशन हमें रियलाइज हो जाता है ना, इसे हम अपने रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इंक्लूड कर सकते. एक इसमें एक नई एंट्री, जब एसेट डिस्पोज होगा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो बैलेंस है वो हम रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ऐड कर देंगे. ये डेप्रिसिएशन, ठीक है, कॉस्ट एंड रिवैल्यूएशन मॉडल. अच्छा, फॉर ऑल डेप्रिसिएबल एसेट्स. अच्छा, द डेप्रिसिएबल अमाउंट कॉस्ट less residual value should be allocated on a systematic basis over the asset's useful life. ठीक है, clear? अच्छा अच्छा, ये दोनों के लिए same है, cost model हो या revaluation model, दोनों के लिए rules same. अच्छा, the residual value क्या and the useful life of an asset should be reviewed at least at each financial year end, and if
एक्सपेक्टेशंस डिफर फ्रॉम प्रीवियस एस्टिमेट्स, एनी चेंजेस इज अकाउंटेड फॉर प्रोस्पेक्टिवली। तो कह रहे कि हर ईयर एंड पे आपने इसकी लाइफ, यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू को रिव्यू करना है, और अगर इसमें कोई चेंज आता है लाइफ में या स्क्रैप वैल्यू में तो उसे आपने अप्लाई करना है प्रोस्पेक्टिव। अच्छा, इसका क्या मतलब? वो प्रोस्पेक्टिवली अकाउंटेड फॉर प्रोस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या है? अच्छा, FA2 में हमने ये टॉपिक पढ़ा था डेप्रिसिएशन का, उसमें हम रिवाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे ना, उसमें था ना मेथड चेंज हो तो डेप्रिसिएशन रिवाइज होता है, लाइफ चेंज हो जाए, स्क्रैप वैल्यू चेंज हो तो आपका मेथड वो डेप्रिसिएशन रिवाइज हो जाता है ना। अच्छा, वो जो रिवाइज डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे थे वो किस ईयर से चार्ज कर रहे थे, प्रीवियस ईयर से या करंट ईयर से? जैसे सपोज हमने 2 साल बाद एसेट के लाइफ रिवाइज हो गई आपके, तो डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का चेंज होता था ना, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी चेंज करते थे हम? नहीं, जो भी चेंज आता था तो वो करंट ईयर से ही अप्लाई हो रहा था। सही है। तो प्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जिस ईयर में चेंज आएगा उसी ईयर से आपने उसको अप्लाई करना है, मतलब पिछले सालों में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, तो प्रोस्पेक्टिवली जिस ईयर चेंज आएगा उसी ईयर से आपने उसको अप्लाई करना है। जैसे अगर ईयर एंड पे हमने एसेट की लाइफ को रिवाइज किया, लाइफ आपकी रिवाइज हो गई, चेंज हो गई, तो नेक्स्ट ईयर से आपने उसको अप्लाई करना है। तो चेंज अप्लाई कब से होगा? नेक्स्ट ईयर से, प्रीवियस ईयर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक। अच्छा, एक टर्म और होती है आगे यूज होगी, वो टर्म होती है रिट्रोस्पेक्टिवली, RETROS, रिट्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि आपने उसको ईयर वन से अप्लाई करना है, जो भी चेंज आएगा वो ईयर वन से अप्लाई। सही, रिट्रोस्पेक्टिवली। और प्रोस्पेक्टिवली जिस ईयर चेंज आएगा वो नेक्स्ट ईयर से या उसी ईयर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एसेट के लाइफ या स्क्रैप वैल्यू में चेंज आता है तो वो नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होगा, प्रीवियस ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है प्रोस्पेक्टिवली। अच्छा, द डेप्रिसिएशन मेथड यूज शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच द एसेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी। अच्छा, ये हमने बात की थी FA2 में कि किन एसेट्स के लिए कौन सा मेथड यूज करना बेहतर है, याद है? स्ट्रेट लाइन किन एसेट्स के लिए बेहतर है और रिड्यूसिंग बैलेंस किन एसेट्स के लिए बेहतर है, क्या याद है कुछ? क्या बात हुई थी? लैंड एप्रिशिएट नहीं होती। फर्नीचर बिल्डिंग के लिए स्ट्रेट लाइन बेहतर है और मशीनरी मोटर व्हीकल्स इक्विपमेंट्स के लिए रिड्यूसिंग बेहतर है। क्यों बेहतर है, रीजन क्या था? ये तो एग्जांपल हो गई ना, किस बेस पे डिसाइड करेंगे? तो स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम रहती है ना, जो स्ट्रेट लाइन मेथड किसी भी एसेट पे लगा दें वो सेम डेप्रिसिएशन है। रिड्यूसिंग मेथड किसी भी एसेट पे लगाएंगे वो हर साल रिड्यूस होगा। ये डिसाइड किस बेस पे करेंगे, कैसे, किन एसेट्स के लिए कौन सा मेथड यूज करना बेहतर है, जो दिल चाहे। अच्छा, ये पॉइंट मैंने बताया था, वही बात यहाँ ये कर रहे थे कि जिस एसेट से जो बेनिफिट आपको मिलेगा ना, जिस तरह का बेनिफिट मिलेगा उसी पैटर्न में आपने उसको डेप्रिशिएट करना। इसे बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग ऐसे हमें सेम बेनिफिट मिलेगा या इसका बेनिफिट कम ज्यादा होगा? सेम रहेगा ना। जैसे इस रूम की बात करें, अगर इसकी कैपेसिटी है 40 चेयर्स की, तो आज भी 40 चेयर्स, कल भी 40, साल बाद भी 40, 5 साल भी 40, तो ये बिल्डिंग आपको सेम बेनिफिट दे रही है। इसका बेनिफिट ना तो रिड्यूस हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए बेहतर क्या है, स्ट्रेट लाइन, सेम बेनिफिट सेम एक्सपेंस। ठीक है, फर्नीचर है, ये फर्नीचर आपको सेम बेनिफिट दे रहे हैं। इस चेयर की सिटिंग कैपेसिटी कितनी आज, 1%, कल कितनी होगी, 5 साल बाद 1%, तो ये फर्नीचर आपको सेम बेनिफिट दे रहा है, तो इसके लिए बेहतर क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, सेम बेनिफिट सेम एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, मशीनरी की बात कर रहे हैं, मोटर व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, स्टार्ट में परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जैसे मशीन की बात करें, नई मशीन है तो स्टार्ट में उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी और क्वालिटी भी अच्छी होगी, जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी उसकी थोड़ी प्रोडक्शन भी कुछ कम हो जाएगी, कैपेसिटी और क्वालिटी भी थोड़ी कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो मशीनरी के लिए बेहतर क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसी तरह मोटर व्हीकल्स के लिए भी
रजिस्टरिंग इक्विपमेंट्स के लिए भी रिड्यूस, ठीक है। अच्छा वही चीज आप यहाँ पे ये बता रहे हैं, देखें ये पॉइंट था, डेप्रिसिएशन मेथड यूज्ड शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच एसेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर कंज्यूम, जिस पैटर्न पे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं कंज्यूम हो रहे हैं उसी पैटर्न पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर, सेम बेनिफिट मिल रहे हैं तो सेम डेप्रिसिएशन रखेंगे यानी कि स्ट्रेट लाइन, और बेनिफिट अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो फिर रिड्यूसिंग मेथड अप्लाई कर देंगे ताकि एक्सपेंस भी रिड्यूस होता जाए, ठीक है। तो जिस पैटर्न में आपको बेनिफिट मिलेंगे उसी पैटर्न में हमने उसे डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा डेप्रिसिएशन मेथड शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट एनुअली इफ एनी पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ बेनिफिट्स हैज चेंज्ड, द डेप्रिसिएशन मेथड शुड बी चेंज्ड प्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। तो उसका जो पैटर्न है वो भी आपने हर साल रिव्यू करना है, और अगर पैटर्न में कंजम्पशन पैटर्न में कोई चेंज आता है तो उसी हिसाब से फिर आप मेथड भी चेंज करेंगे, और वो चेंज अप्लाई कब से होगा, नेक्स्ट ईयर से प्रोस्पेक्टिवली, नेक्स्ट ईयर या करंट ईयर, जिस ईयर में चेंज आएगा उसी ईयर से उसको अप्लाई कर देंगे। अच्छा नॉर्मली इसको रिव्यू कब करते हैं, ईयर एंड पे, तो वो अप्लाई होगा नेक्स्ट ईयर अगले साल से प्रोस्पेक्टिव। अच्छा नॉर्मली को तो एक मशीन की अगर बात करें, एक नई मशीन है तो उसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट में अच्छी होगी, बाद में थोड़ी रिड्यूस होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि कुछ साल बाद जीरो हो जाएगी, एक लेवल तक ही रिड्यूस होगी ना, उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगी। फिर ऐसा तो नहीं है प्रोडक्शन हर साल कम होती जाए और जीरो पे प्रोडक्शन आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, एक टाइम आएगा जिसके बाद वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो वहां पे आप क्या करेंगे, फिर मेथड चेंज करके स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया पैटर्न आपका चेंज हो रहा है कंजम्पशन का, तो आपने फिर मेथड भी चेंज करना है, सही। अच्छा रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है आपकी, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड डिस्पोजल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू को कहते हैं, ठीक है। कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट एट व्हिच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर डिडक्टिंग एनी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, बुक वैल्यू होती है। अच्छा डी रिकॉग्निशन यानी कि रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल, कि एसेट आप डिस्पोज कर रहे हैं या उसको आपने रिटायर कर दिया, तो उसे कहेंगे डी रिकॉग्निशन। अच्छा एन एसेट शुड बी रिमूव फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑन डिस्पोजल और व्हेन इट इज विथड्रॉन फ्रॉम यूज एंड नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल। एसेट आपने डिस्पोज कर दिया या आपने उसको विड्रॉ कर लिया, क्या आपको इससे फर्दर कोई बेनिफिट नहीं होगा, या उसको डिस्पोज करने से कुछ भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना, तो आप उसको अपने रिकॉर्ड से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल क्या होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीड्स एंड द कैरिंग अमाउंट एंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द इनकम स्टेटमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बुक वैल्यू से सेल प्रोसीड माइनस करते हैं तो गेन लॉस आ जाते हैं, और इसे हम अपने इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर लेते हैं। ओके अच्छा अब आते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। अच्छा लास्ट क्लास हमने बात की थी इनिशियल कॉस्ट की ना, इनिशियल कॉस्ट मेजरमेंट की बात हुई थी, तो उसमें हमने सारे एक्सपेंसेस कहा था ऐड हो जाएंगे ना, जो एसेट को मतलब वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो नेसेसरी एक्सपेंस है वो ऐड हो जाते हैं, ठीक। अच्छा आपने एक एसेट परचेज किया, एक्सपेंडिचर हुए, एसेट आपका इंस्टॉल हो गया, वर्किंग कंडीशन में आ गया, कॉस्ट कैलकुलेट हो गया, सब कुछ हो गया, अब एसेट आपका चलना शुरू हो गया, अब कुछ टाइम बाद आप उसको देखिए, एक तो नॉर्मल होती है रिपेयर मेंटेनेंस, वो तो चलती रहती है रिपेयर मेंटेनेंस नॉर्मल ना। अच्छा कुछ मेजर एक्सपेंस भी तो हो सकते हैं ना, कुछ मेजर एक्सपेंडिचर भी हो सकता है या नहीं एसेट पे, जैसे देखिए गाड़ी की एग्जाम्पल है, कार आपने खरीदी नई कार, अच्छा आप उसको गाड़ी चलाएंगे तो साथ साथ उसकी मेंटेनेंस भी होती है ना, ट्यूनिंग सर्विस पंक्चर वगैरह लगवाते रहेंगे, मैकेनिक के पास जा रहे हैं छोटा मोटा, ये तो रिपेयर मेंटेनेंस हो गई। अच्छा अब गाड़ी आपकी हो गई काफी पुरानी, इंजन हो गया बिल्कुल खत्म, अब इंजन बनवाएंगे उसका, इसको कहते हैं ना इंजन ओवरहॉलिंग, इंजन ओवरहॉलिंग हो गई, पूरा इंजन बन गया आपका, फिर से आपकी गाड़ी कई साल और यूज हो सकती है, हो सकता है आप उसको रीपेंट करवा लें, टायर चेंज कर लें, इंजन बनवा लें, सीट्स नहीं बनवा लें, पूरी रिकंडीशन हो गई गाड़ी आपकी, तो एक मेजर एक्सपेंस हुआ, ठीक है। उससे क्या होगा आपकी गाड़ी कई साल और यूज हो सकती है और चल सकती है ना, ठीक है। तब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा अगर कोई मेजर एक्सपेंडिचर करते हैं कि जिससे आपके एसेट की लाइफ इंक्रीज हो जाए, एसेट की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, उसकी एफिशिएंसी
इंक्रीज हो जाए, इसको कैपिटल एक्सपेंड, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और इसे आप अपने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर लेंगे ना, सही, और फिर उसको डेप्रिशिएट करते रहेंगे, सही है। जैसे कोई मशीन है आपके पास जिसकी प्रोडक्शन है 100 यूनिट्स पर आवर, उस मशीन में आपने कोई कंपोनेंट ऐड किया जिससे उसकी परफॉर्मेंस हो गई 120 यूनिट्स पर आवर, ठीक है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई, अब ये भी क्या आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो इसे आप अपने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर लेंगे और फिर डेप्रिशिएट करते रहेंगे। किसी को पढ़ लेते देंगे, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज एडेड, अच्छा क्या लगे, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज एडेड टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, बुक वैल्यू में एड हो जाएंगे, बट ओनली व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट, अच्छा प्रोबेबल मोर देन 50% चांस दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन एक्सेस ऑफ ओरिजिनली असेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, ठीक, कह रहे कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आप बुक वैल्यू में ऐड करेंगे, लेकिन कब, जब ये प्रोबेबल हो कि उससे आपका जो एसेट की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, बाय इन एक्सेस ऑफ ओरिजिनली असेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, यानी कि उसके जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाए तो आप उसे ऐड कर लेंगे। अच्छा, ऑल अदर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज सिंपली रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच इट इज इनकर्ड, ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस होगी वो एक्सपेंस रिकॉर्ड होती रहेगी। मॉडिफिकेशन ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट टू एक्सटेंड इट्स यूजफुल लाइफ इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड कैपेसिटी, तो ये आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐड हो जाएगा। ये दो एग्जांपल्स हैं, अपग्रेड ऑफ मशीन पार्ट्स टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ आउटपुट, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ये भी एसेट में ऐड कर ले, ठीक है, उसके बुक वैल्यू में ऐड हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आइटम्स मेयर, अच्छा रिपेयर मेंटेनेंस से क्या होता है, मेयरली मेंटेन और रिस्टोर द वैल्यू, ठीक है, जो नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस होती है जैसे गाड़ी की ट्यूनिंग करवाते हैं तो उससे क्या होता है, गाड़ी की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, मेंटेन होती है, मेंटेन रहती है ना, सही, राइट, ठीक है, तो मेयरली मेंटेन और रिस्टोर द वैल्यू, दे डो नॉट इम्प्रूव और इंक्रीज इट, सो सच कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, तो उसे आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना, सही। अच्छा, बाकी फेयर वैल्यू पे हमने कल बात कर ली थी, ठीक है, ये हो गया, तो इसके साथ ये आपका आईएएस 16 हो गया कंप्लीट, और ये हमने रिवैल्यूएशन के एंट्रीज और अकाउंट्स बना लिए, ठीक है, अब एग्जाम गेट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सही है, आपका आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है 106, ये होमवर्क है, पहले ही क्वेश्चन होमवर्क, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने FA2 में किए थे ना, डिस्पोजल वगैरह के, हाँ 107, मतलब बाकी जो क्वेश्चन है वो FA2 वाले जैसे ही हैं, वो आप लोग घर पे कर लेंगे, जो डिफरेंट है वो मैं करवा देता हूँ, हाँ नहीं होंगे तो फिर करवा दूंगा। 107 बाद में ले जाऊं, छोड़ दो अभी, रिपोर्ट नहीं करता, से डायरेक्ट 24 पे गए, ट्रिप हुआ ना, कुछ देर बाद चले गए, 35 कर देते इसका, चलो बढ़ जाइए, इसलिए फैन की स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ ताकि जिंदा रहे, सांस आती रहे, फैन ऑन हो गया, ओके, लॉरी बॉट एन एसेट ऑन 1st January फॉर 2,35,000, डेप्रिशिएटेड 30% using reducing balance method on 1st January 2007, 3 years के बाद ना, 4, 5, 6, lorry revalued the asset to 3 lakh. What double entry should lorry post to record the revaluation? ठीक है, तो पहले तो इसमें 3 years का depreciation calculate करना होगा, ठीक है, calculate करें,
बाद गेन लॉस कैलकुलेट होगा, फिर आपका चला जाए। वन जीरो सेवन चाहिए। ईयर वन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट कितनी है? 2,35,000 और 30% कितना आ रहा है? 70,500। ईयर टू 235,000 माइनस 70,500 और इसका 30% कितना बना है? 49,350। ईयर थ्री इसका शॉर्टकट बताया था, याद है? अब एक्यूमुलेट कितना होगा? 154,395 एक्यूमुलेटेड 30% 3,45,45 ओके। अब इसका जरा लॉस गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट आपकी 2,35,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तीनों का ऐड कर लें, कितना आ रहा है? 154,395 आप नेट बुक वैल्यू 60,605 और रिवैल्यू हमने किया इसको, वैल्यू कितने भी किया 3 लाख पे। गेन कितना हुआ? 219,395 गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है? तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? अब एसेट आपका क्या था? एसेट ही लिखा हुआ है सिर्फ ना, तो एसेट ही लिख लेते हैं हम भी। एसेट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा ना। एसेट कितने से डेबिट होगा? एसेट डेबिट कितने से करेंगे? कॉस्ट थी 235, रिवैल्यू किया 3 लाख पे, तो डिफरेंस कितना हुआ? 65 ना, 65,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,54,395 और गेन ऑन रिवैल्यूएशन 219,395। तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी ना। आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 सॉल्व करेंगे। एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर टेनर कंपनी हैड द फॉलोइंग नॉन करंट एसेट। Land and building at cost 10.4 million. Land and building accumulated depreciation 0.12 million. The tenant company decided to revalue its land and building at the year end to 15 million. What will be the value of revaluation surplus if the revaluation is accounted for? Revaluation surplus calculate karna easy hai. हाँ, तो कॉस्ट में से पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगा, बुक वैल्यू आएगी, बुक वैल्यू से रिवैल्यूएशन माइनस कर देंगे, ठीक है? 4.72, ठीक है, इतना सिंपल। इसमें क्या होगा? कॉस्ट है
10.4 मिलियन माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू आ गई, माइनस करते हैं रिवैल्यूएड अमाउंट 15 पर रिवैल्यू किया तो गेन आ जाएगा 4.72 का गेन ऑन रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट है अब 116 के बाद 132। देखिए ये क्वेश्चन था 119 याद है, ये भी हमने एफ2 में किया था, ये हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 15 था ना लास्ट, ये आप लोग होमवर्क में करेंगे सारे क्वेश्चंस। 132 132 क्वेश्चन नंबर 132। ये प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 1,02,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,400, नेट बुक वैल्यू आ गई ऑन 1st नवंबर, पी कंपनी रिवैल्यूड प्रॉपर्टी टू 1,50,000, पी कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 50 इयर्स, ऑन रिवैल्यूएशन देयर वाज नो चेंज इन ओवरऑल यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। It has also chosen not to make an annual transfer of excess depreciation on revaluation between the revaluation surplus and retained earnings. ये कल हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि एक्सेस डेप्रिसिएशन को हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना, इसकी एंट्री बनाई थी हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अच्छा यहाँ वो कह रहा है कि इट हैज चूजन नॉट टू मेक एन एनुअल ट्रांसफर ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है तो वो एंट्री फिर इसमें नहीं बनेगी। अच्छा व्हाट शुड बी द बैलेंस ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड डेप्रिसिएशन चार्ज एज शोन इन पी कंपनीज फाइनेंशियल ईयर फॉर द ईयर एंडेड अक्टूबर 2002। अच्छा पहले तो लॉस गेन कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है। अच्छा अब कॉस्ट कितनी है, 1,02,000 कॉस्ट है, इन कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा ये तो। कॉस्ट है 1,02,000, माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू आ गई 81,600 और रिवैल्यू किया इसने 1,50,000 पे, गेन ऑन रिवैल्यूएशन आ गया 68,400 गेन ऑन रिवैल्यूएशन गेन हुआ, इसका मतलब आंसर होगा ए या सी में से, ठीक। अब इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। अच्छा डेप्रिशिएट हम किसको करेंगे, अमाउंट क्या लें, 1,02,000 या 1,50,000, अब रिवैल्यूएड अमाउंट को डेप्रिशिएट किया जाएगा ना, ठीक है। अच्छा इसने मेथड वगैरह यहाँ पे कुछ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा लाइफ थी इसकी 50 इयर्स, तो अब ये रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी इसकी, एक साल। अच्छा ये ईयर में कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, एक मिनट रुकिए, एंड हो रहा है इसका 2002 में, ये 2011 क्यों लिखा ऊपर इसमें, आपके पास क्या लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ लग रही है, ये 2011 है क्या, है X1 है ना, और ये 20 है। अच्छा ये यहाँ पे मिस्टेक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। 1st नवंबर पे कॉस्ट थी इतनी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नवंबर 1 जो डेप्रिशिएट हम करेंगे 1,50,000 को, वो 50 ईयर में डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट करेंगे ना। कल हमने एक हैंड आउट का क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन 4 जो हम कर रहे थे हमने रिवाइज डेप्रिसिएशन निकाला था ना, उसमें लाइफ क्या ली थी हमने, 25 इयर्स ली थी, रिमेनिंग लाइफ ली थी, ठीक है। तब यहाँ भी हम क्या लेंगे, रिमेनिंग लाइफ, तो इसमें हमें रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट करना पड़ी, टोटल लाइफ तो बता दी उसने, एस्टिमेटेड लाइफ 50 ईयर, रिमेनिंग लाइफ नहीं पता। अभी कैसे पता चलेगा कितने साल यूज हो गया, कितने साल बाकी है, तब इसमें ये निकालना होगा हमें कि कितने साल यूज कर चुके हैं। लेकिन ये इसने दिया आपको accumulated depreciation 20,400 accumulated है,
इसका जरा एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें स्ट्रेट लाइन से, उससे हमें इसकी लाइफ पता चलेगी। कॉस्ट कितनी थी इसकी? 1,02,000। एस्टिमेटेड लाइफ 50 ईयर। कितना आ रहा है? 2,040। ये 1 ईयर का डेप्रिसिएशन है। अच्छा, इसका एक्यूमुलेटेड कितना है? 20,400। तो 20,400 को कि हमें लाइफ निकालनी है ना, कितने साल यूज हो चुका है ना, तो 20,400 को डिवाइड कर दें 2040 से, 10 ईयर आ जाएंगे ना। तो इस वजह से आप इसकी लाइफ निकाल देंगे ये कि कितने साल यूज हो गया ना। तो 10 ईयर हम एसेट को यूज कर चुके हैं, तो रिमेनिंग लाइफ आ जाएगी 40 ईयर्स। 50 - 10 = 40। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यूज करते हुए हमने इसकी लाइफ कैलकुलेट की, कितने साल हमें यूज किया। अब इसका रिवाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिशिएट हम करेंगे किसे? 1,50,000 को। स्क्रैप वैल्यू तो कुछ भी नहीं है ना इसकी, रिमेनिंग लाइफ है 40। तो 1,50,000 को डिवाइड करते हैं 40 से, 3,750। तो ये इसका रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3,750। इस तरह आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है। ये इसमें एक नया पॉइंट था कि आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यूज करते हुए इसकी लाइफ यूज्ड निकाल सकते हैं ना, एक्सपायर कितने हो गए। नेक्स्ट है हमारा 132 के बाद 263। जंप करते हैं 263। अच्छा, यहाँ से टॉपिक चेंज हो जाएगा, चैप्टर कौन सा आ गया? एक्रूअल्स की पेमेंट में तो करनी होगी, आगे मिलेगा और हमें 263। नहीं, टॉपिक कौन निकल गया, बहुत आ गया 263 है। जाएगा प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 263, ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। फैन ऑन कर लेंगे गर्मियों को। उसको बंद करें ना, वो भी ऑफ हो गया, गुजारा करें। On January 1, Baker Company revalued its property to 1 lakh. At the date of revaluation, the asset was accounted for at a cost of 8 lakh. Cost है? Accumulated depreciation 16,000. Property had an expected useful life 50 years from the date of purchase. Nil residual value. What is the amount of excess depreciation transfer required from revaluation surplus to retained earning as a result of अकाउंटिंग फॉर द रिवैल्यूएशन? अच्छा, एक्सेस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अच्छा, पहले तो इसका ओरिजिनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते ना, पहले कितना था रिवैल्यूएशन से पहले। तो कॉस्ट 80,000 और लाइफ कितनी है इसकी?
50 years. पहले इसका ओरिजिनल कॉस्ट 80,000, स्क्रैप वैल्यू नील है, लाइफ 50 इयर्स है ना, इसको डिवाइड कर देते हैं 50 से तो कितना आ रहा है? 1600, ठीक है। अच्छा एक्यूमुलेटेड कितना है? 16,000, तो उसका मतलब 10 ईयर गुजर गए, सही है। तो रिमेनिंग लाइफ 40 इयर्स, ठीक है, रिमेनिंग लाइफ इसकी आ जाएगी 40 इयर्स, 50 - 10 = 40। अब रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन, रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी, अब डेप्रिशिएट किसे करेंगे? रिवैल्यूड अमाउंट को 1 लाख, डिवाइड किससे करें? 40 से, कितना आ रहे हैं? 2500, ठीक। एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना होगा? तब रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन माइनस ओरिजिनल डेप्रिसिएशन इसका 900 एक्सेस डेप्रिसिएशन, तो आंसर 900। अच्छा ब्लैंक है, 900 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 264, जनवरी 1 8 हेंड्रिक्स कंपनी रिवैल्यूड इस प्रॉपर्टी टू 2 लाख, अप टू द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन द एसेट हैड बीन अकाउंटेड फॉर एट अ कॉस्ट ऑफ 1,60,000, कॉस्ट 160 है, रिवैल्यू किया 2 लाख पे, accumulated depreciation 40,000, property had an expected useful life of 50 years from the date of X purchase, nil residual value, state the accounting entry is required to account for the revaluation in the financial statement, revaluation ki entries banani hai hame, pehle to gain calculate kar le kitna ho raha hai, gain on revaluation cost hai iski 1 lakh, 60,000 cost, accumulated depreciation 40,000, net book value हो गई 120, और revalue हमने किया इसे 2 लाख, तो 80,000 का gain हो जाएगा, gain on revaluation 80,000, ठीक है। इसकी entry क्या होगी? Property है, property debit हो जाएगी, प्रॉपर्टी डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा। तो द कॉस्ट ही 1,60,000, रिवैल्यू किया 2 लाख पे, तो 40,000 से प्रॉपर्टी को डेबिट करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन सरप्लस 80,000 से क्रेडिट हो जाएगा, तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। Okay.